धनबाद के धनसार थाना क्षेत्र के तालाब में डूबे हुए दो युवकों का शव 22 घंटे के बाद भी नहीं मिल पाया। जिला प्रशासन और BCCL के अधिकारी भी मौके से नदारद हैं। कार्रवाई न होने से आक्रोशित ग्रामीणों ने झरिया धनबाद मुख्य मार्ग पर जाम कर हंगामा किया। सड़क जाम करने का उद्देश्य है कि 22 घंटा हो चुका है, अभी तक कोई भी प्रशासन नहीं जगी है और उसमें अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं किया है, न उसमें गोताखोर लाया गया, न कुछ किया गया वहाँ, ना एगो पुलिस फोर्स भी दुगो नहीं दिया हुआ है कि कोई अनहोनी कोई दूसरा कुछ कर फिर से न तीसरा घटना हो जाए। अभी तक वहाँ कोई प्रशासन भी नहीं दिया हुआ है कि दो प्रशासन वहाँ रहे कि कोई दूसरा भाई भी आदमी ना कूदे। जी सर, अभी तक कुछ प्रशासन अभी बोला है कि आधे घंटा एक घंटा में CO साहब से बात हुआ है, वो लोग आ रहे हैं। अब देखिए जब तक बच्चा नहीं मिला, जब तक मान लीजिए हम लोग को क्या है, जिसका गार्जियन गुजर गया है उसको निकाल कर उसको सपोर्ट कर दिया जाए, हम लोगों को कोई जाम करने का उद्देश्य नहीं है। सड़क जाम से आवागमन में असुविधा पैदा होने लगी। जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए मौके पर पहुंचे आला अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझा बुझा कर मामला शांत करवाया। डूब के ये हो गया है, उसी को बचाने के क्रम में और एक ये हो गया था, उसी के लेके आदमी थोड़ा यहाँ पर जाम किए हुए हैं कि प्रशासन इतना देरी से मैंने कुछ एक्शन नहीं ले रही है। लेकिन हम लोग कल से ही लगे हुए हैं, लगातार फोन पर लगे हुए हैं, लेकिन जब तक वो लोग नहीं पहुँचता है तब लोग तब तक वो सर बात किए हैं बड़ा बाबू उन लोग से, सर से पूछ लिया जाए उनके बारे में। फिलहाल सड़क जाम है, कैसे इन लोग से अपील है कि वो लोग जल्दी पहुंचने वाला है, रोड को भी छोड़ दिया जाए, आम आदमी को बहुत तकलीफ हो रहा है। ग्रामीणों के हंगामे के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया और शवों को तालाब से निकालने की कवायद भी शुरू कर दी गई है। धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट।